बहुत देर हो चुकी है रुक्मिणी, अब माया नहीं उठेगी। किसने किया ये सब? मैंने किया है माया का ऐसा हाल। मैं हूं गुरुकाल, कभी खाली ना जाए मेरी चाल, और ये है मेरी सबसे शातिर चाल। रुद्र के रक्षक में से एक तो कई दो बचे, बहुत जल्द दोनों मरेंगे। रवि के मरने के बाद उसके शरीर से निकली हुई चाबी मेरे कब्जे में होगी, मेरे कब्जे में, और मैं बनूंगा सबसे शक्तिशाली। आइए बच्चे, आइए। भाजी टका से खा जा। महामंत्री, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि हमारे लोक पे वो शैतान गुड़िया फिर से आ चुकी है। हम तुरंत अपने सैनिक भेजते उनसे लड़ने के लिए। नहीं नहीं, रुक जाओ। थी? उसे मारने के लिए कोई आम सैनिक नहीं चाहिए। शैतान गुड़िया बहुत खतरनाक है, उसे मारने के लिए गुड़िया लोक के सबसे खतरनाक सैनिकों को बुलाओ। बुलाओ सिपाही, सिपाही हाजिर हो। जाओ, इससे पहले कि वो हम सबको अपने वश में करके हमें हमारे हाथों से खून करवा दे, जाओ उस गुड़िया शैतानी को खत्म कर दो। ठीक है ना? जाओ। क्या हुआ बेटी? माया का चेहरा नीला क्यों पड़ रहा है? माया बिटिया के शरीर से उसकी प्राण शक्ति कम हो रही है। इन्हें किसी जादुई शक्ति ने आघात पहुंचाया। ये आप क्या कह रहे हैं वैद्य? अगर माया बिटिया का पूरा शरीर नीला पड़ने से पहले उसकी प्राण शक्ति का नियमित संचार नहीं हुआ तो हम माया बेटी को हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। क्यों? नहीं बैजी, बैजी कुछ भी कीजिए, लेकिन हमारी बिटिया की जान बचा लीजिए। हे भगवान, इस नन्ही सी जान ने किसी का क्या बिगाड़ा है? पापा, ये सब उस डॉल की वजह से ही हुआ है। और वो डॉल तो डुग्गल लाया था, अभी तो यही था, कहाँ गया? बेटा डुग्गू भोपाल ही निकल लो यहाँ से, वरना तुम्हारा जीजा तुम्हें पिंजरा समझ के खा जाएगा और डकार भी नहीं लगा। अब कचूमर बन जाएगा बेटा तुम्हारा, साला सूखे भी बन नहीं होता ऐसे टाइम पे। क्यों किया ऐसा तुमने? माया तुझे कितना मानती है, प्यार करती है, अपना मानती है, और तूने उसी को मौत के मुंह में धकेल दिया। अरे क्या कुछ भी बोल रहे हो मियां, आप मेरे पे शक कर रहे हो? अरे वो मेरी बच्ची है, मेरी भांजी नहीं, मेरी बच्ची है, मेरी जान है वो। माना मेरा रंग थोड़ा ज्यादा काला हो चुका था, क्या मैं बैटमैन हो गया हूं? मैं निर्दोष हूं जीजा जी, मैं निर्दोष हूं, सच्ची में निर्दोष है तू। हां निर्दोष है। अगर तू निर्दोष है तो भाग क्यों रहा था? मैं इसलिए भाग रहा था क्योंकि मैंने कोई कमिटमेंट किया नहीं, तो बिल अपने नाम पे क्यों पड़वाऊं? मेरा मतलब मैंने कुछ नहीं किया। हट जा बेटा, इसकी हलक से जवाब तो मैं आज निकालूंगी। दादी दादी
दादी हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ दादी, अपने नमकीन हाथों से मेरे ऊपर बिजली पर चला था। मैं तो बस इसलिए भाग रहा था दादी क्योंकि मेरे को पता था कि आप लोग मेरे पे विश्वास नहीं करोगे। सच्ची करो दादी, सच सच बता रहा हूँ दादी, मैं तो मेरे को सूरजपुर से खरीद के लाया तो जादू की जप्पी। सच कह रहे हो, पूरी पिक्चर समझा था आपको, पूरी पूरी पिक्चर समझा था। मैं तो बस रात से गुजर रही हूँ। खिलौने ले लो, खिलौने खिलौने ले लो, खिलौने। बाबूजी, ओ बाबूजी, हाँ? तो है उस छुटकन छुकरिया के लिए तोहफा चाहिए, हाँ? मैं अभी लाती। ये लो, लो, लो। ये। वाँ वाँ। सिर्फ 20 रुपया। हाँ जी, सिर्फ 20 रुपया। वैसे एक बात बोले, बोलो, बुरा मत मानना, हमारा दिल दरिया है, बाकी सब समंदर है, कुछ कम करो ना। ए, कुछ, ये ले, ये ले, चुपचाप 10 रुपए निकाल। 10 रुपए? अरे भाई टेबल फैन, हमारा मतलब है कोई भी मैन। 5 रुपए नाश्ते में लग गए, 5 रुपए टिकट में कट गए। अरे भाई साहब, हमारे पास फूटी कौड़ी नहीं है। तो बाबूजी, तुम उस छुटकन छुकरिया के घर में खाली हाथ जाओगे, उसका जन्मदिन है ना, खाली हाथ अच्छा लगेगा का? हाँ। सोचो, खाली हाथ अब क्या करें? बाबूजी काम कर लो। ये लो, ये 10 रुपए, ये रख लो, ये गुड़िया भी रख लो, हाँ, और जाओ उस छुकरिया के घर। वैसे तो 100 रुपट्टे के नीचे हम कोई काम करते नहीं, लेकिन तुम्हारी जहरीली आंखें देख के 10 रुपए में काम चला लेंगे। हटना भाई साहब, हमारा सूटकेस, चलते हैं। एक ब्यूटीफुल लड़की और एक टिंगू मियां, यही देना मामा श्योर? गिठान गिठान भी था। मामू, भाई के साथ जो भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप निर्दोष हैं। तो भैया हम यही तो कह रहे हैं। चलो शु, दिखने में लाल हूँ, रहती बंद हूँ, ना खोलो तो रद्दी, खोलो तो कीमती। पोस्ट ऑफिस बॉक्स लाल और बंद? नहीं विशु, रद्दी भी कहे, पोस्ट ऑफिस बॉक्स तो नहीं हो सकता। और तुझे भी आज हमसे पहलिया बुझवानी है? माया के पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। किताबें बंद तो रहती, खोलो तो ज्ञान, दिखने में लाल, लाल किताब, मैं जानता हूं कि वो कहां पर है। इसमें तो गुड्डे गुड्डियों के लोगों के बारे में लिखा है। अच्छा, तो इनका भी लोग रहते हैं। चल पढ़ आगे क्या लिखा है। हाँ, गुड़िया लोग इंसानों के लिए खतरनाक, जो भी गया है वापस जिंदा नहीं आया। ये विशु, ये देख, ये तो वही डाली ना जिसने माया को, ये गुड़िया लोग की सबसे खतरनाक और पापी डॉल है। इसका नाम है गुड़िया शैतानी और ये गुड़िया लोग की काले जंगल में रहती है। Thank you.
शैतानी ये अपने जितने चाहे उतने रूप बना सकती है, पर उनमें से सिर्फ एक ही असली गुड़िया शैतानी होगी। शैतानी की आंखों में समान शक्ति है, जो भी उसकी आंखों में देखता है उसे वो अपना गुलाम बना लेती है। गुलाम मतलब उसने माया को भी इसी तरह। उसकी आंखों में देखना बुरी बात है, मैं समझ गया इसके आगे पर क्या लिखा है। हाँ आगे, मैं तो तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ, अब क्या करोगे? गुड़िया शैतानी के चार टुकड़े करके उसे अलग अलग दिशाओं में फेंकते उसे मारा जा सकता है। मैं जा रहा हूँ गुड़िया लोग, उस शैतानी गुड़िया के तो चार टुकड़े करके पीठ पूछ में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब में पहुंचा दूंगा और अपनी माया को बचा लूंगा। नहीं विशु, तू यहीं पर हो, ताल्लुक मैं जाता हूँ और माया को मैं बचाऊंगा। नहीं अभी, मैं तुझे अकेला नहीं जाने दूंगा, मैं भी तेरे साथ आऊंगा। नहीं विशु, मेरा अकेले जाना जरूरी है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं माया को बचाऊंगा, ताकि जब वो आंखें खोले तो उसका एक भाई उसके साथ उसके सामने होना चाहिए। नहीं अभी, एक भाई नहीं दोनों भाई रहेंगे, वो भी उसके साथ। तुझे वापस आने मैं तेरा इंतजार करूंगा। बेचारा अकेला रह गया, गुड़िया लोक में वो अकेला ही मरेगा। आओ खुले मैदान में, अब तुम छुपकर पीछे से वार नहीं कर सकते। शैतानी काले जंगल में मिलेगी, इस वीरान गुड़िया लोक में काले जंगल का पता पूछू तो किससे पूछू। हेलो, नीचे उतरने में मैं आपकी मदद करूंगा। मुझ पर हमला क्यों कर रही है? अवि को मारना ही मेरा मिशन है। लगता है उस बुढ़िया शैतान ने माया की तरह इन्हें भी अपने वश में कर लिया। बाहर आओ गुड़िया शैतानी, बहुत ताकत है तुम्हारे पास, सामना करो मेरा। आप सब अपने कंट्रोल में नहीं हो, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, प्लीज वार मत करिए। आप लोग चिंता मत कीजिए, हमारी माया को कुछ नहीं होगा। अभी जल्दी आ जा, बचा ले माया को। अभी तू हार नहीं मान सकता, माया की जिंदगी का सवाल है। शक्ति दिलाई मुसीबत से मुक्ति।
से भूचाल कभी नहीं आ सकता। पता लगाओ ये किस शैतानी शक्ति का प्रभाव है। टाइम बहुत कम है और रास्ता अनजाना। तुम्हारे को बचाने के लिए जल्द से जल्द उस काले जंगल तक पहुंचना होगा। शैतानी, मैंने तुम्हारी चाल पहचान ली है। अब मैं तुम्हारी किसी भी चाल में नहीं फंसने वाला। मैं तुम्हारी सम्मान शक्ति का शिकार नहीं बनूंगा। खुले मैदान में अब तुम छुपकर पीछे से वार नहीं कर सकती। बिना असल नकल का फर्क जाने कैसे जीतोगे हमसे? माया बहुत देर हो चुकी है रुक्मिणी, अब माया नहीं उठेगी। जहां पर भी छुपना वहां छुप लो, जितनी भी कॉपी बनानी है बना लो। तुम्हारी उल्टी परछाई ने तुम्हारा सारा बेड खोल दिया, तुम मुझसे नहीं बच सकती। Fire!
की तबीयत तो बिगड़ती जा रही है। लंबे समय तक सम्मान में रहने पर गुड़िया शैतानी उस व्यक्ति की आत्मा को चुरा कर अपने साथ गुड़िया लोक ले जाती है। ऐसे में अगर गुड़िया शैतानी की मृत्यु होती है तो उसके साथ सम्मोहन में रहने वाले व्यक्ति की मृत्यु उसी वक्त हो जाती है। दक्षिण, पूरब, पश्चिम, चार दिशाओं में चार टुकड़े। चलो काम तो हो गया, सब माया ठीक हो जानी चाहिए। देर हो चुकी है रुक्मिणी, अब माया नहीं उठेगी। विशु, माया कहाँ है? बोलो, वो ठीक है ना? मैंने उस गुड़िया शैतानी को खत्म कर दिया, अभी माया नहीं रही। सूर्यास्त हो गया, विष्णु माया को नहीं बचा पाए। माया माया उठ जा बच्चे, मैं तुझे बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस लाके दूंगी, तुझे जो पसंद है माया मैं तुझे सब दूंगी, बस उठ जा बच्चे। मुझे तुम्हारे घर में अनहोनी होने का एहसास हुआ तो मैं तुरंत चला है। ये क्या हो रहा है भागरू? मुझे जैसा लगा था माया की आत्मा ने उसका शरीर तो छोड़ दिया है परंतु परमात्मा भी विलीन नहीं हुई है। गुरुजी, मतलब अभी भी माया को बचा सकते हैं? माया को लेकर तुरंत मेरे साथ सूर्य मंदिर चलो, मैं सूर्य की ऊर्जा से सूर्यास्त तक माया के शरीर को जीवित रखूंगा।
परंतु माया को बचाने के लिए माया की आत्मा को ढूंढकर वापस लाना होगा। सिर्फ चंद घंटों का समय। रिद्धि पेपर, माया की आत्मा, माया की आत्मा कहाँ से ढूंढूं? और रिद्धि पेपर, ज्यादा टाइम बर्बाद मत कर, वैसे भी तेरी पहेलियां मेरी पल्ले नहीं पड़ती है। आसान पहेली देता हूं तुझे, सारे जवाब हैं मेरे नीचे। तेरे नीचे मतलब लाल किताब? मतलब वो भी माया की आत्मा डोलो की राजा के पास चली गई होगी। मुझे जाना होगा। अब मैं सूर्य की शक्ति से माया के शरीर को जिंदा रखने के लिए हवन शुरू करूंगा। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। पूरा यकीन है अभी और विश्व माया को बचा लेंगे। अभी अभी उठ, उठ अभी, तू ठीक है ना? उठ अभी। माया, विश्व माया कहाँ है? बोलो, वो ठीक है ना? मैंने उस गुड़िया शैतानी को खत्म कर दिया। अभी माया नहीं रही। लेकिन अभी हम माया को बचा सकते। उसकी आत्मा जो उस गुड़िया ने चुरा ली थी वो उसके खत्म होने के बाद इस लोक के राजा के पास चली गई है। मतलब वो चौंका देने वाली रोशनी माया की आत्मा थी। हाँ, और हमारे पास सिर्फ सूर्यास्त तक का समय, और अगर तब तक हमने माया को नहीं बचाया तो माया को हम हमेशा के लिए खो देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरी तलवार कहाँ है? गुड़िया लोग के राजा के पास। हाँ,
देवते राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा, आ गया है मैं अभी इंसान गुड़िया लोक में। आत्मा क्या इसी के लिए दोनों यहाँ पर आए हैं? नाम मेरा चुलबुल, बोलो बात पते की। इंसान बहुत बुरे होते हैं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है महाराज। घबराने की कोई बात नहीं है चुलबुल, ये गुड़िया लोग इन इंसानों से अपनी रक्षा करना जानते हैं। तलवार कहाँ गायब हो गई? अभी ये तलवार यहाँ पर है, लेकिन मैं उस तक नहीं पहुंच सकता। तू भाग अभी। मर जा अभी, मर जा। अरे अभी तू मरता क्यों नहीं? तू कब मरेगा और कब मिलेगा मुझे कुबेर का खजाना और सोना? क्यों आओ ये अभी मरने का नाम ही नहीं लेता। देखो ना वो कब मरेगा और कब मिलेगा मेरा सोना। मेरी सोना, आज तेरा शकुर बहुत उदास है, मुझे अपनी बाहों में भर लो ताकि मेरा दुख थोड़ा कम हो जाए। लो लो भर लो। कहीं के मुझे माफ कर दो गुरुकार, गलती हो गई। अभी मरेगा, जरूर मरेगा, और अगर नहीं मरा तो उसका उपाय भी है मेरे पास। मैं हूं कालों का काल गुरु काल, और कभी खाली न जाए आपकी चाल। ये दोनों कहाँ पर हैं? अभी वो दोनों तेरे आजू बाजू से आ रहे, एक लेफ्ट से और दूसरे राइट से। तू भाग वहां से, तेरे सामने एक रास्ता है, वही एक रास्ता है जिससे तू बच सकता है, भाग। तू भाग लो क्या अभी, भाग वहां से। मौत को मौत ही खाएगी। क्या बस तू देखता जा विशु।
ये स्कूल की घंटी यहाँ पर क्यों बज रही है? विशु, विशु ऊपर देख। तो मुझे डरा ही दिया था। अगर मैं यहाँ पर होती ना तो तुझे बहुत डांटती। मुझे माया की बहुत याद आ रही है अभी। हाँ विशु, मेरी आंखों के सामने भी बार बार उसका चेहरा आ जा रहा है। विशु, हमारे पास टाइम बहुत कम है, चल जल्दी। ॐ सूर्याय नमः स्वाहा। गुड़िया लोग का महल ज्यादा दूर नहीं है। मैं मेरे स्केट पर निकालता हूँ, 2 सेकंड में हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे। स्कूल की घंटी यहाँ पर क्यों बज रही है? विशु, विशु ऊपर देख। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। ॐ सूर्याय नमः स्वाहा। हे भगवान, सूरज डूबने ही वाला है, अभी और विश्व की मदद करिए, मेरी माया को बचा ले प्रभु। वापस चल यहाँ से, जल्दी। हाँ। अभी सूरज तो नहीं वाला, ऐसे में हम ये पार नहीं कर पाएंगे, हम माया को नहीं बचा पाएंगे। हे
मैं हार नहीं मानूंगा माया, कोई ना कोई तो तरीका होगा इसे बात करने का। दिमाग की घंटी नहीं बज रही है, घंटी नहीं बज रही घंटी। क्या देख विशु, जब हम हर दूसरे चट्टान पर पैर रख रहे थे तो पत्थर और घंटी बजना दोनों बंद हो गए थे। मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आया अभी। दो कदम आगे एक कदम पीछे, देख हमें दो चट्टान आगे जाना है और फिर एक चट्टान पीछे जंप करना है, समझ गया? अब चल। हम एक कदम पीछे। हाँ जल्दी। बहुत देर हो गई निशु। महाराज हमें आपसे मदद चाहिए। बहुत देर हो गई निशु। माया को नहीं बचा पाए। गुड़िया लोक में इंसानों के आने पे सख्त पाबंदी है। तुम लोगों ने ये कानून तोड़ा है, इसकी सजा तुम लोगों को मिलेगी, मौत की सजा। महाराज जी हम आपको चाबी देने के लिए तैयार हैं। आखिर तू मेरी चाल में फंसी गया।
की नगरी गुड़ियों के राजा टका शेर भाजी टका शेर खाजा। मारक गुड़िया लोक में इंसानों की आने पे सख्त पाबंदी है। तुम लोगों ने ये कानून तोड़ा है, इसकी सजा तुम लोगों को मिलेगी, मौत की सजा। गुरुजी कोई तो रास्ता होगा, भगवान ऐसे एक मासूम की जान नहीं ले सकते। मैं तुम्हारे परिवार के दर्द को समझ सकता हूँ, पर क्या आदित्य? क्या हुआ गुरुजी, अब बोलने में इतना संकोच क्यों कर रहे हो? अब माया और उसकी आत्मा इस संसार में नहीं है, हमें शीघ्र अति शीघ्र माया के शरीर का दाह संस्कार करना होगा। महाराज जी, गलती मेरी है, मैं ही अपना काम करने में नाकामयाब रहा, मेरे कारण ही माया। आपको जो करना है मुझे करिए, मुझे मारना है मुझे मारिए, पर मेरे भाई विशु को यहाँ से जाने दीजिए प्लीज। मेरा नाम चुलबुल, बोलो बात पते की महाराज, बाकी इंसानों के जैसे ये बुरे तो नहीं लग रहे हैं? बुरे हो या ना हो, पर गुड़िया लोक में आने की सजा तो जरूर मिलती है, और वो है सिर्फ और सिर्फ मौत की सजा। महाराज, हम जानबूझ के थोड़ी ना आए थे, हमें आना पड़ा क्योंकि आपके लोग की शैतानी गुड़िया ने हमारी बहन की आत्मा छीन ली, और वो भी इसी लोक में है। अभी ये तो हमारी बात सुन ही नहीं रहा। गुड़ियों की नगरी गुड़ियों के राजा टका शेर भाजी टका शेर खाजा। मेरा नाम है अभी, बोलू बात पते की। महाराज आपको जोड़ निर्णय लेना, मैं तैयार हूँ, मेरी गलती है, मैं ही सूर्यास्त तक आप तक पहुँचने में नाकामयाब रहा, मेरी गलती के कारण ही मेरी बहन माया की जान चली गई। सूर्यास्त होने में अभी एक घंटा बाकी है। दाह संस्कार, क्या कह रहे हैं आप गुरुजी? समझने की कोशिश करो आदित्य, माया एक माया भी थी, शक्तिशाली माया भी, इसके रोम रोम में जादू बसा हुआ है, ऊपर से इसकी मृत्यु भी जादू से ही हुई है, इसलिए इसके शरीर को नष्ट करना होगा। जानते हो क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इसका शरीर ठंडा होता जाएगा, कई भूत पिशाच माया की शक्तियों को पाने के लिए उसके शरीर को वश में करने की कोशिश करें। क्या आप लोग ऐसा चाहते हैं? नहीं गुरुजी। आप लोगों के पास एक घंटा है, यदि आपने इसका शरीर नष्ट नहीं किया तो ये कार्य मुझे स्वयं करना होगा। महाराज, आपको हमारी से जो कहना कर लीजिए, हमें सब कुछ मंजूर है, लेकिन अब प्लीज प्लीज हमारी बहन की आत्मा को मुक्त कर दीजिए प्लीज। हाँ महाराज प्लीज। आत्मा, तुम्हारी बहन की आत्मा यहाँ है, लेकिन उसका शरीर तो पृथ्वी पर है, और आत्मा तो तभी काम आएगी ना जब शरीर होगा, कहीं उसे जला दिया होगा तो फिर तो मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है महाराज, माया की आत्मा लौटा दीजिए जल्दी प्लीज। तो ये चाहिए तुम्हें,
ठीक है, अगर मैंने आत्मा तुम्हें वापस कर भी दी तो उसके बदले में तुम दोनों मुझे क्या दोगे? आपको जो चाहिए वो दे देंगे, अपनी जान देने के लिए भी तैयार है। हाँ। ठीक है, उसके लिए मुझे दो चीजें चाहिए। पहली, तुम्हारे शरीर में छुपी हुई रुद्र की मायावी चाबी। चट भी मेरी और पट भी। अभी मरेगा तो भी चाबी मुझे मिलेगी, और अगर राजा तक पहुंच भी गया तो भी चाबी मुझे मिलेगी। और तीनों लोगों पर होगा मेरा राज, और मिलेगा मुझे कुबेर का खजाना। आपका मतलब है कुबेर का खजाना हमारा है ना? मुंह बंद रख शकुर। कुबेर का खजाना? सोना बांटने की बात पर मुंह बंद, झूठा है तू गुरकाल। समझ गया मैं तेरी चाल, तू चाबी मिलने के बाद भी मुझे अपना गुलाम बनाकर रखना चाहता है, यही ना? लेकिन आएगा, मेरा भी दिन आएगा और बहुत जल्द आएगा। अभी इसे तो मैं भी चाबी चाहिए, कहीं गुरकाल के साथ मिला तो नहीं? हम बुराई को जीते ही नहीं दे सकते, हम रुद्र के रक्षक है। अभी विशु, माया की मौत बुराई की जीत होगी, और अगर इसे बचाने का यही एक तरीका है तो यही सही है। महाराज जी, हम आपको रुद्र की मायावी चाबी देने के लिए तैयार है, बताइए कि वो दूसरी चीज कौन सी है? उसके लिए तुम लोगों को अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। सूर्यास्त में अब सिर्फ 40 मिनट बाकी है, और ध्यान रहे ये परीक्षा तुम लोगों को बिना शक्तियों की पूरी करनी पड़ेगी। क्या तुम लोग तैयार हो? हाँ, हम तैयार हैं। तो पहली परीक्षा है तुम लोगों की बुद्धि की। तो ठीक है, नहीं तो तुम दोनों घुट घुट के मरोगे, है ना मंत्री जी? जाइए गुरुजी, डुगु अभी और विशु को लाने गया है, अपने भाइयों के बगैर मेरी माया का अंतिम संस्कार कैसे हो सकता है? तुम्हें बता चुके हैं रुक्मणी, सिर्फ 40 मिनट बचे, इससे पहले क्रियाकर्म करना होगा। डुगु तुम आ गए, अभी और विशु कहाँ है? दीदी मैंने हवेली का कोना कोना चान मारा पर मुझे कहीं नहीं मिले वो लोग। कहाँ रह गए ये दोनों? यार कितना स्टूपिड है, 100 मीटर भागने का कोई टेस्ट नहीं है क्या? ये फिर कोई खाने का कंपटीशन नहीं है? अगर माया यहाँ पर होती ना तो पक्का बोलती कि अभी भी मुझे खाने की पड़ी है, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। मैं भी माया को बचाना चाहता हूँ विशु, किसी भी हाल में अब जैसा मैं बोलता हूँ वैसा कर। हाँ पहले ही मुझे दे। राइट राइट राइट
20 मिनट बचे हैं सूर्यास्त होने में। आदित्य कहाँ है अभी और विशु? बच्चे हैं रुक्मणी, माया को इस हालत में नहीं देखना चाह रहे होंगे। हाँ रुक्मणी, हवेली में ही होंगे कहीं। आदित्य वो भाई है माया के, और उन दोनों के बगैर मेरी माया का अंतिम संस्कार नहीं होगा। बस टका सिर भाजी टका सिर खा जा। देखो इन दोनों बच्चों का बच गया बाजा। मंत्री चलो। नाम मेरा चुलबुल, बोलो बात पते की। ये देखिए महाराज। पहली परीक्षा पूरी कर लीजिए, अब बताइए दूसरी क्या। तुम्हारी बुद्धि तो बहुत तेज है, इतनी कि तुम दोनों के लिए काफी है, पर अब अगली परीक्षा है साहस की। महाराज जी माया के लिए हमें हर चीज करने का साहस है। दूसरी परीक्षा है साहस की, 20 मिनट बचे हैं सूर्यास्त होने में। तुम्हारे पास तब तक का समय है इस गोलू गुड़िया को हराने का। आदित्य समय खत्म हो रहा है, देखो देखो उनकी तरफ प्रेत जमा हो रहे हैं। हम दाह संस्कार में देर नहीं कर सकते। आदित्य आदित्य गुरुजी किसी की बात नहीं सुनने वाले, कहाँ है अभी और विशु? सूरज को देखो, 10 मिनट में सूर्यास्त होने वाला है, जल्दी करो। 10 मिनट सोच क्या रहे हो आदित्य, चिता जलाओ। वो देखो शैतानी शक्तियां माया के शरीर को वश में करने जा रही हैं। रुक जा विशु, जाने दो मुझे अभी, मत रुक, हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। अगर 10 मिनट में इसको नहीं आ रहा है तो हम माया को हमेशा के लिए खो देंगे। यहाँ ताकत से काम नहीं चलेगा, हमें अपना दिमाग लगाना होगा। एक कुतुब मीनार, तुम तो बहुत पुराने मॉडल हो, कछुए की तरह धीरे चलते हो, तुमसे रेस तो हम लोग चल ले। आजा मार ना मार।
शुक्र है ये लोगों ने सही टाइम पे जो है अपनी परीक्षा पूरी कर ली। चिता जलाओ आदित्य। दोनों परीक्षा पूरी कर ली महाराज, अब जल्दी से भाई की आत्मा में लौटा दीजिए। आपको चाबी देने के लिए तैयार है। आखिर तू मेरी चाल में फंसी गया। असंभव, अद्भुत, ये तो चमत्कार है। ये आप कौन से चमत्कार की बात कर रहे? माया, लकड़ियों पे क्यों लेटा है? ये सब क्या हो रहा है? माया, मेरा बेटा। महाराज जी, आपने अपना वादा पूरा किया, अब हम भी अपना वादा पूरा करेंगे। बताइए कि आपको और क्या चीज चाहिए? मुझे सिर्फ वो जादुई काली सुई चाहिए। वैसे मैं तुम लोगों को बता देना चाहता हूं कि कोई भी गुड़िया बुरी नहीं होती। बुरे इंसान उन्हें जादुई सुई चुभा चुभा के उन पर कब्जा कर लेते हैं और उन्हें बुरा बना देती। मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि सभी सुइयों को ताकत देने वाली वो जादुई काली सुई जो पृथ्वी लोक पे है, तुम दोनों मुझे वो ला के दे दो, बस बाकी और कुछ नहीं। जरूर महाराज जी, हम अपना वादा पूरा करेंगे। चल रुको, मैं तुम लोगों पर कैसे विश्वास करूं कि यहां से जाने के बाद तुम लोग जादुई काली सुई मुझे ला के दोगे? महाराज जी बताइए कि हम आपको भरोसा कैसे दिलाएं? उसके लिए तुम लोगों को अपनी ये जादुई चाबी मेरे पास गिरवी रखनी होगी। जब धरती लोक से काली सुई ले आओगे तब अपनी चाबी वापस ले जाना। नहीं, अभी चाबी मत दे। नहीं मिशु, इन्होंने हमारी बहन माया की जान बचाई है। महाराज जी, हम आपको चाबी देने के लिए तैयार हैं। चाल में फंसी गया। जो चाबी तूने अपने शरीर के बाहर निकाली उसे मैं पाकर रहूंगा। कालों के काल गुरु काल का ये वादा है। मंत्री, महाराज आपसे एक विनती है,
अब इस मायावी चाबी की ना पूरी तरह से रक्षा करेगा, और इसे किसी के भी हाथ मत लगने दीजिएगा, ना अगर किसी बुरी शक्ति के हाथ लग गई तो तीनों लोगों पर बुराई का अंधेरा छा जाएगा। निश्चिंत रहो मेरे बच्चों, तुम लोग बस अपना वादा पूरा करो। सदियों का इंतजार खत्म हुआ, अब अगले 24 घंटों में वो मायावी चाबी मेरे कब्जे में होगी, मेरे कब्जे में होगी वो मायावी चाबी, मेरे कब्जे में। माया, माया, माया तूने ना बिल्कुल ही डरा दिया था। अवि, विशु, कहाँ थे तुम दोनों? हम तो हवेली में ही थे। आप डुग्गू मामा से पूछ लीजिए। हाँ, हमने उनको आवाज भी दिया था, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। नहीं, मम्मी का तो सच कह रहा हूँ, नहीं बुलाया मुझे, मेरा नाम डुग्गू भोपाली ऐसे नहीं है। खामोश। दीदी शायद बचाने के लिए डुग्गू की माया भी चाबी दे दी, लेकिन अगर गुड़िया लोग के राजा ने किसी बात से अगर वो चाबी गुरुकाल को दे दी तो गुरुकाल मैं लेकर आ गई आपके रुद्र की मायावी चाबी। सदियों का इंतजार खत्म हुआ, की माया भी चाबी किसी और को दे दी है और तू ये गाड़ी बेच के सो रहा है। क्या माया, हमारे पास ही है माया भी चाबी। हाँ, अभी के पास है, किसने बताई तुझे ये गलत बात? हमने कल ही रात को डिसाइड किया था ना कि आज सुबह ना धोकर नाश्ता करने के बाद ही इसको बताएंगे। अब भूखी पेटी है हमारी क्लास लेगी। माया, तुम दोनों ना क्या भी ऐसे करके आए हो? गुड़िया लोग के राजा को रुद्र की माया भी चाबी देने की क्या जरूरत थी? माया, मैं समझा कर, तेरी जान बचाने का हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। और गुड़िया लोग के राजा बहुत अच्छे, उन्होंने हमसे प्रॉमिस किए कि वो माया भी चाबी की अच्छे से रक्षा करेंगे, और जैसे हम उन्हें मायावी काली सुई ढूंढ कर दे देंगे जो गुड़िया को शैतानी बनाती, तो हमें मायावी चाबी वापस लौटा देंगे। वैसे तो तुम दोनों भी देर के बहुत अच्छे हो, दीदी शायद बचाने के लिए रुद्र की माया भी चाबी दे दी, लेकिन अगर गुड़िया लोग के राजा ने किसी बात से अगर वो चाबी गुरुकाल को दे दी तो लड़कियां ना बहुत टेंशन लेती है। माया, हम यूं गुड़िया को शैतानी बनाने वाली काली सुई लेकर जाएंगे और उस राजा से माया भी चाबी ले लेंगे, तो टेंशन मत ले। अच्छा, तो बता फिर कि वो काली सुई कहाँ है और किसके पास है? कंटक है मेरा नाम।
शाबाश शाबाश मेरी गुलाम गुड़िया शाबाश। अब तो ये शक्ति कलश भी मेरे पास है। अब मैं पूरी दुनिया की जादुई काली शक्तियों को अपने पास एकत्रित कर लूंगा और फिर शैतान गुड़िया की एक सेना बनाऊंगा और फिर मैं करूंगा। पूरी दुनिया पे राज, धाम धाम, धीम धाम, कंटक के मेरा नाम। गुरुकाल, ये कंटक तो बड़ा ही पहुंचा हुआ मायावी लगता है। कंटक जैसा दो कोड़ी का मायावी मेरे पैर के धूल के बराबर भी नहीं है। दो मिनट में उससे परास्त करके मैं काली सुई ले लूंगा। उससे पहले कि अभी और उनके साथियों को काली सुई का पता चले बहुत देर हो चुकी होगी। बहुत देर। सुनो, ये हो जाए तो ये दोनों भी साफ कर देना। मम्मी तो रास्ते से हटने का नाम ही नहीं ले रही है। शादी कमरे में जाए तो जाए कैसे? काली सुई के बारे में लाल किताब में ही लिखा है, पर हम इन्हें यहाँ से हटाए कैसे? दादी का उलझना जादू कब कम आएगा? सत्यानाश, अरे अब माँ जी ने क्या कर दिया? माँ जी, बहू, ये मेरी भूलने की बीमारी मैं कब भूलूंगी? माँ जी, आप ये सब क्यों करती रहती है? आप जाकर आराम कीजिए, मैं देखती हूँ। गुड़िया को शैतानी बनाने वाली सुई गुड़िया लोग के राजा के जुड़वा भाई कंटक के पास पकड़ो। वो सूरजपुर से 40 मील दूर बसे उत्तरी जंगल में काली मंदिर के पीछे की गुफा में रहता है। फिर तुम्हें वहाँ जल्दी जाना होगा और पापा को मम्मी को संभालने बोलना होगा। हाँ, हमें अंकल को सब कुछ बताना होगा। चलो। हाँ, चलो। तोड़ सके, ये
ये पूरा इलाका मेरा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरा राज चलता है, कंटक का राज। शुक्रिया गुरुकाल अपना ये शक्ति दंड देने के लिए। सुनो तुम लोग घबराओ मत, रुक्मिणी को मैं संभाल लूंगा, तुम बस वाह मतलब यहाँ अकेले अकेले बच्चों के साथ घूमने फिरने की प्लानिंग हो गई और अपने सारे रात को भूल ही गए। वो तुम बच्चों के साथ बोर हो जाते हैं ना, अगली बार हम साथ में जाएंगे ना घूमने, है ना? चलो बच्चों, है ना? रुको 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 रुको, बच्चों के साथ बोर हो, वो भी मैं? कमाल है यार। अरे कपड़े के हमने बारात में जाने के लिए पहने, अरे भाई साहब वैसे हम शरीर से जवान लगते हैं लेकिन दिल तो हमारा बच्चा है जी, थोड़ा बच्चा है जी। और भैया मौका है, चतुर है, दुनिया कितनी दूर है, हा? हम तो साथ में जाएंगे और नहीं लेकर गए तो फिर बच्चों की तरह असल मुझे घर के लिए बाजार से कुछ सामान मंगवाना है। मना मत करना वरना कभी बात नहीं करूंगी। बात नहीं करूंगी कभी, जैसे उमराव जान बोल रही है। वैसे भी आपके मुझसे कौन सा हमारे लिए फूल डरते हैं। अच्छा तो ठीक है, वो 1000 रुपया जो मैं टिप देने वाली थी ना वो मैं किसी और को दे दूंगी। वैसे तो भोपाली 100 रुपट्टी से कम में काम नहीं करता, यहाँ 1000 रुपए मिलने हैं। बेटा जाओ, बेटा तुम लोग मेरे बिना घूमने जाओ, मैं अकेला रह लूंगा। कौन मिस? वैसे भी दादी के चरणों में स्वर्ग होता है और हम दादी जी और गांधी जी का अपमान नहीं कर सकते। दादी जी चले। चलो बच गए, साला तो पीछे ही पड़ गया था। क्या हुआ अभी, क्या सोच रहे हो? यही कि हम जल्दी से वो काली सुई ढूंढ के उस गुड़िया लोग के राजा को दे दे ताकि वो हमें मायावी चाबी वापस कर दे। तुम घबराओ मत बच्चो, तुम तीनों पर मुझे पूरा भरोसा है। मैं अभी माँ गुरुजी से मिलने जा रहा हूँ, तुम तीनों का इंतजार करूंगा। ये लीजिए महाराज, सुई को जला देने वाली अग्नि तैयार है। कौन है आप? आप यहाँ कैसे? आप ठीक है ना? उठिए। पानी 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 कंटक है मेरा नाम। काली सुई वाली कंटक कैसे हुए और काली सुई कहाँ पर है? मेरी काली सुई ले गया। ले गया? कौन ले गया? अरे
मेरी आओ, अपना ये फन छुपा लो। तू जानती है ना मुझे तुम्हारे इस रूप से बहुत डर लगता है। शकुर तुम अपनी बकवास ना बंद करो, मुझे अभी गुरुकाल को बचाना है। उनके शरीर से जहरीली सुई का जहर बाहर निकालना है मुझे। हटो। अरे आओ आओ गुरुकाल जाओ। को दे दे बात, वो है गुरुकाल। गुरुकाल वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। मम्मा सा गुरुकाल की चार कामयाब। माय गॉड, सुई तो गुरुकाल ने किया, अब हम क्या करेंगे? क्या हालत बहुत खराब है, पहला महीने हॉस्पिटल ले जाना होगा। और अभी जल्दी से गुड़िया लोग जाके उनसे मायावी चाबी लेनी होगी। अगर उन्होंने चाबी गुरुकाल को दे दी तो चलो जल्दी चलो। हाँ नागेन, अब तुम मेरा सबसे बड़ा काम करोगी। ये लो काली सुई और गुड़िया लोग जाओ और वहां से मुझे मायावी चाबी ला कर दो, रुद्र की मायावी चाबी। गुड़ियों के नगरी, गुड़ियों के राजा, टकाशेर भाजी टकाशेर खाजा। नाम मेरा चुलबुल, बोलो बात पते की। महाराज ये मानव औरत हमारे इस लोक में कहाँ से आ गई है? कौन है आप और ये हमारे गुड़िया लोक में कैसे? महाराज मैं अभी और विश्व की माँ हूँ, उन दोनों की जान खतरे में है। आपसे किया हुआ वादा पूरा करते वक्त कंटक ने उन्हें बहुत जख्मी कर दिया और बंदी भी बना दिया। अभि और विशु ने ये जादुई काली सुई दी है आपको। आप मुझे वो चाबी वापस दे दीजिए। बच्चों की जान बचाने के लिए मुझे उस चाबी की जरूरत है। ये लीजिए आपकी जादुई काली सुई। काली सुई लाइए, ये आप मुझे दे दीजिए। मंत्री ये चाबी दे दो। चाहिए ले जाइए और उन बच्चों मंत्री जी लो इसे जलाकर नष्ट कर दो ताकि फिर कभी कोई गुड़िया शैतानी ना बनने पाए। जला दो। अरे अभि और विशु तुम कितनी जल्दी आओ, आओ हमारे गले लगो। आज तुम दोनों की वजह से ये गुड़िया लोग बच गया। और तुम माया हो ना? इंट्रोडक्शन अब बाद में ले लेना, पर पहले ये बताओ कि हमारे रुद्र की माया भी चाबी कहाँ? चाबी तो अभि और विशु की मम्मी को दे दिया। ओ नो, ये आपने क्या कर दिया महाराज? गुरुकाल की चाल कामयाब हो गई, हम सब हार गए। गुरुकाल मैं लेकर आ गई आपकी रुद्र की माया भी चाबी। रुद्र
रुद्र की मायावी चाबी। मेरा सपना। सदियों का इंतजार। गुरुकाल वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। अब तो चेहरा में चलेगी अच्छाई और जीतेगी बुराई। ये बुरा अब रुद्र के रक्षक मुझे तीनों लोगों पर राज करने से नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते। चाबी, गुरु का वेरी हैप्पी Mombasa.